होता है, तो हिमाचल पुलिस की हिस्ट्री में, हिमाचल पुलिस के इतिहास में और इन्वेस्टिगेशन के प्याम में आज हमारा एक बहुत बड़ा हाई पॉइंट है जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि मानव भारती यूनिवर्सिटी का जो केस है बहुत प्रचलित था, बहुत फेमस था, और इसमें 3 FIRs पुलिस स्टेशन धर्मपुर में पिछले साल हुई थी, 22, 26 और 27 नंबर। मूलतः बेसिकली ये क्या थी, ये कि मानव भारती यूनिवर्सिटी ने फेक डिग्रीज बनाई और फेक डिग्रीज बेची, तो 467, 468, 471, 420 IPC में थे और कॉन्स्पिरेसी के भी धारा थी। तो शुरू शुरू में ये SIT SP सोलन के अंडर थी, तो उन्होंने कुछ काम किया, और जब मैं DG बना था उसके बाद हमने जब रिव्यू किया, हमने देखा कि ये मामला बड़ा संगीन है और इट इज़ ओनली लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग। जैसे आइसबर्ग होता ना, उसमें जो टिप दिखती है उतना ही है, लेकिन अगर हम इसको इन्वेस्टिगेट करें तो काफ़ी नीचे तक ये होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये अनाउंस किया कि SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक हाई लेवल की हिमाचल पुलिस के अंडर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और उन्होंने हमारे पर विश्वास जताया। ऑप्शन सरकार के पास दो थे, या तो CBI को रेफ़र कर सकते थे या हमको दे सकते थे, लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कॉन्फिडेंस दिलाया कि हम ना केवल इसको प्रोफेशनली करेंगे, जल्दी करेंगे और जल्दी अंजाम तक लाएंगे। और जो हमारा एक्सपीरियंस CBI इन्वेस्टिगेशन देने का, जैसे स्कॉलरशिप स्कैम या दूसरा था, वो कोई अंजाम पे पहुंचे नहीं थे। मैं अपने जो SIT के जब हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी, तो SIT के चीफ थे मिस्टर वेणुगोपाल ADG CID, और उनके नंबर 2 थे मिस्टर हिमांशु मिश्रा IG Southern Range। इसमें फिर चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमारे थे बिमल गुप्ता DIG Crime, और 4 टीम हमने बनाई थी। इसमें 4 टीम में जो अहम टीम थी उसकी जो हेड थी वो रंजना चौहान है। काइंडली कैन यू स्टैंड अप, तो ये अपना काम बताएंगी। हमारी टीम को जो मेन काम दिया गया था वो था फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करने का, जिसके नतीजे में अभी जो ED ने आपका अटैचमेंट किया है, तो वो जो उसका बेस हमको बनाना था, क्योंकि ED को प्रेडिकेट ऑफेंस चाहिए होता है तभी वो आगे काम कर पाते हैं, तो उसका पूरा बेस हमारी टीम को बनाना था उनके कार्रवाई करने के लिए। सेकेंडली, हमारा जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके फंक्शनरीज के रोल को भी हमें ढूंढना था कि उनका कोई ऐसा रोल तो नहीं रहा जिससे ये फैसिलिटेट हुए। वो काम हमारी टीम को दिया गया था, और दोनों ही केसेस में हमने एक दो रिपोर्ट्स हमने बना ली है, एंड उसमें भी हम प्रोसीड करेंगे। फाइनेंशियल का तो आपका सामने ही है, अब इससे आगे का तो फाइनेंशियल देखिए ऐसा है, इनके 2 टास्क थे, एक तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना, एक कॉन्स्पिरेसी को डिटेक्ट करना। कॉन्स्पिरेसी में कमीशन एंड ओमिशन है बेसिकली, ने कैसे बना, ये कैसे इतने फेक डिग्रीज कर पाया। 2 नंबर जो हमारी टीम थी उसके चीफ थे SP Solan, वो बेसिकली सोलन बेस्ड, कि लैंड जो इन्होंने लिया उसकी इन्वेस्टिगेशन थी, और उसके जो बेसिकली फॉलोआउट्स थे और उसके जो लिंकेजेस थे। 3 नंबर जो हमारी थी टीम, संदीप धवल था बेसिकली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिजिटल एविडेंस था, डिजिटल एविडेंस इसको एग्जामिन करना और इसको बेसिकली बीनीथ ग्राउंड से ऊपर लाना, कि है अनर्थ, जिसको बोलते हैं ना अनर्थ करना, तो अनर्थ करना था। दूसरा, संदीप धवल ने टेक्नोमैक का केस भी इन्वेस्टिगेट किया और उसमें उसको नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इन्वेस्टिगेटर भी मिला, तो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस था कि जो विदेश में एक्यूज्ड हैं उसको कैसे लाए। तो पासपोर्ट का रिवोकेशन राजकुमार राणा का, इसका परिवार ऑस्ट्रेलिया में है, इसको वापस कैसे लाना, 2 टास्क थे उसके, उन्होंने भी बड़ा बखूबी अपना टास्क निभाया। चौथी टीम हमारी वीरेंद्र कालिया की थी, जो SP Crime है, वो इंटर स्टेट के लिंकेजेस हैं कि कहाँ कहाँ तक इनका जाल फैला हुआ था, और जो 100 फर्जी डिग्रियाँ थी सबको आइडेंटिफाई करना, कौन कहाँ है, फर्जी डिग्री क्या है और उसमें कितना पैसा लिया गया, कौन किधर है, वो करना था। तो चारों टीम ने बड़े अव्वल दर्जे का काम किया, टॉप रेट वर्क किया इन्होंने, और ये हिमाचल के इतिहास में जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, इससे बेहतरीन आज तक नहीं हुई। तो लार्जली मैं आपको
थोड़ा सा इसका प्लॉट बताता हूँ, जैसे हर कहानी का एक प्लॉट होता है। राजकुमार राणा ओरिजिनली करनाल का है, इसकी एक शादी हुई थी, फिर उससे तलाक हो गया था, फिर इसकी जो बीवी थी अश्वनी कंवर करके ऊना की एक रहने वाली थी जिसका फादर आर्मी में था। तो अश्वनी कंवर के फादर ने कुछ एग्रीकल्चर लैंड अपनी बेटी को दिया अश्वनी कंवर को, जिससे वो हिमाचली एग्रीकल्चरिस्ट बन गई। ये पहले छोटा सा एक फार्मेसी कॉलेज करनाल में चलाते थे और ऑनलाइन कोर्सेज भी करते थे। इन्होंने सोचा कि हिमाचल में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, तो यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने दस्तावेज दिए, तो तब की कैबिनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दो रीजंस दिए लार्जली, कि इनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है और दूसरा इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। उससे पहले क्या एक मानव भारती ट्रस्ट इन्होंने बनाया, जिसमें ये थे अश्वनी कंवर थी, अश्वनी कंवर के पिता थे, कुछ परिवार के जन थे। ये मानव भारती जो ट्रस्ट है, दैट इज एट द सेंटर ऑफ दिस होल कॉन्स्पिरेसी, जिसको अंग्रेजी में फाउंटेन हेड बोलते हैं ना, या सूत्रधार बोलते हैं, वो है मानव भारती ट्रस्ट। और जो एक पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो करनाल में चलाता था, इन्होंने दोबारा दस्तावेज कैबिनेट में दिए और कैबिनेट में ये फिर इसको LOI मिल गया और इसने यूनिवर्सिटी 2009 से चालू की। दौरान इन्वेस्टिगेशन हमने देखा कि कुछ तो रिकॉर्ड इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। जो हमको रिकॉर्ड मिला उसमें 55 डिस्क थी, हार्ड डिस्क थी। 55 हार्ड डिस्क में 14 हमने एग्जामिन की हैं। 14 एग्जामिन करने के बाद ऐसा हमको मिला है कि करीब 36,000 के करीब फेक डिग्रीज हैं। 41,000 टोटल है, जिसमें 5,000 HP प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बोला कि 5,000 जेन्युइन कैंडिडेट्स थे। तो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में करीब 36,000 के करीब हमको फेक मिली थी डिग्रीज। अब ये था कि इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। मॉडस ऑपरेंडी बेसिकली जो फेक डिग्री का कारोबार कैश में चलता था, इसीलिए रंजना की इन्वेस्टिगेशन बड़ी अहम थी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है, कॉन्स्पिरेसी क्या है। तो जो कॉन्स्पिरेसी देखी, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन देखा, तो इसने इस जरिए से काफ़ी प्रॉपर्टी बनाई थी। मानव भारती यूनिवर्सिटी बनाने के बाद इसने एक यूनिवर्सिटी राजस्थान में भी उदयपुर में बताई, जिसका नाम माधव यूनिवर्सिटी था। तो वहाँ भी ऐसा कारोबार चलता था। दौरान इन्वेस्टिगेशन जो हमने इसकी प्रॉपर्टी जो एसेस की, वो करीब 440 करोड़ की थी। और एक टर्म होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। हमने पाया कि 194.17 करोड़ इसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। और हमने ED को लिखा, जब हमने SIT बनाई थी उसमें डिप्टी डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी थे, मिस्टर श्रीवास्तवा जो यहीं स्टेशन है, और डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन IT भी थे। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बेसिकली प्रॉपर्टी अटैचमेंट मनी लॉन्ड्रिंग का देख रही है, और इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स आय कितनी बढ़ गई है उसको देख रही है। तो मेरे को लगता है कि हिमाचल के इतिहास में या किसी के स्टेट के इतिहास में ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं हुई। हमने पाया कि 194 करोड़ के करीब इसने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बनाया है। हमने ED को लिखा और हमें बड़ी खुशी है कि ED हेडक्वार्टर ने कल इसका 194 करोड़ प्रोविजनली अटैच कर लिया है। और ये मेरे को लगता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के इतिहास में सबसे बड़ी अटैचमेंट है। ED का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू होती है, लेकिन ये पहला केस इंडिया में ऐसा है और हमारे सौजन्य से कि पहला केस पकड़ा गया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होती है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और बीच में हमने माननीय मुख्यमंत्री को इसकी जो प्रोग्रेस है उसकी प्रेजेंटेशन बार बार हम देते रहे, समय समय पर देते रहे। और मुझे बड़ा गर्व है कि कल हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर ED ने मोहर लगा दी और 194 करोड़ जो हिस्टोरिक है उसको अटैच कर लिया है। मैं अपने SIT के सारे मेंबर्स को, श्री वेणुगोपाल, श्री हिमांशु मिश्रा, बिमल गुप्ता, चारों टीम्स के हेड रंजना चौहान, अभिषेक यादव, संदीप धवल और वीरेंद्र कालिया, इनके जो अंडर कमांड जितने ऑफिशियल्स थे उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक बहुत अव्वल दर्जे का टॉप रेट का काम इन्होंने हिमाचल में किया है। और ये पहला इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस हम डिटेक्ट कर पाए हैं। अभी
जैसे बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, अभी पिक्चर चलती रहेगी, दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। और हमारे प्रयास हैं, हमने राजकुमार राणा का तो पासपोर्ट रिवोक करवा दिया है, इसके परिवार के बाकी जने, इसकी वाइफ है, बेटी है, बेटा है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, उनको हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम पे भी है, और एक बार आ जाएंगे तो वो भी प्रॉपर्टी हम जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो ईडी से अटैच करने की हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। कुल मिला के मेरे को बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हम करीब 4-5 महीने इस एसआईटी को बने हुए हो गए, और इसने ऐसा काम किया है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सालों साल नहीं कर पाती, और बिल्कुल ये तह तक पहुंच गए हैं। और अभी हम एक प्रेडिकेट ऑफेंस है जो बेसिकली जेनेसिस फाउंटेन हेड कैसे हुआ, ये यूनिवर्सिटी कैसे बनी, उस पर भी एफआईआर दर्ज करने के प्रोसेस में है। जब वो कर लेंगे, जब उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, तो पूरा ये जो केस है मानव भारती का, ये हमारे कंट्रोल में या अंडर सुपरविजन आ जाएगा। तो मेरे को लार्जली इस प्लॉट के बारे में और जो कल हुआ उसके बारे में ये कहना था। अब मेरे कुलीग्स अगर कुछ ऐड करना चाहें तो नहीं तो कुछ तो एक बार दोबारा फिर आप लोग आए यहाँ, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, और किसी को अगर एक्सक्लूसिव बीट बाइट भी लेनी हो, वी आर ओपन टू दैट आल्सो। इसमें ये फाइनेंशियल पार्ट हो गया, नहीं क्राइम वाले पार्ट पे, इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे क्या चल रहा है और कितने अरेस्ट हो चुकी है, क्या है? देखिए ऐसा है, जो 22 26 और 27 जो एफआईआर हैं, दे हैव रीच देयर लॉजिकल कंक्लूजन। उसमें अरेस्ट भी कर रहे हैं और उसमें बेल भी हो गई है, उसमें कई चार्जशीट्स भी दायर हो गई है, दैट इज अ मैटर ऑफ जस्ट रिकॉर्ड। बट जो 22 26 और 27 एफआईआर नंबर था, जैसे मैंने बताया, दैट वाज टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप को तो हमने एड्रेस कर लिया, लेकिन मेन आइसबर्ग को भी हम एड्रेस कर रहे हैं। डिटेल्स मेरे साथी बताएंगे। अब इसमें कुल मिला के 275 लोगों से विस्तृत पूछताछ हुई है अभी तक, जिसमें से 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें की अक्यूज भी शामिल हैं, और 2 अक्यूज अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है। जो बेसिकली जिसको बोलते हैं ना रूल ऑफ लॉ, फेयर ऑफ लॉ, वो हम इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एस्टेब्लिश कर पाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी जो केसेस है, बार बार हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट की स्क्रूटनी हुई इसमें, लेकिन हर बार हाई कोर्ट ने हमारी इन्वेस्टिगेशन पे मोहर लगाया। और कल तो बड़ी खुशी की बात है कि ईडी ने भी हमारी इन्वेस्टिगेशन पे मोहर लगाया, और 194 करोड़, जो ऐतिहासिक है हिमाचल में। आपका भी काफ़ी समय हो गया है पत्रकारिता में, आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा, ऐतिहासिक है, इतनी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है। और ये 1 साल की प्रोसीडिंग्स होती है ईडी की, 1 साल के बाद ये परमानेंटली अटैच हो जाती है। देखिए ऐसा है कि इसका जो परिवार है, बाकी इसकी पत्नी है, बेटी है, बेटा है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, और उनको हम वापस लाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसको एक्सट्रेडिशन बोलते हैं। उसमें हमारा काम चला हुआ है, और मुझे आशा है कि उसमें भी हमको सफलता मिलेगी। उसमें भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, लेकिन हम उसमें लगे हुए हैं। सो वी हैव मेंटेन द हाईएस्ट levels of rule of law, human dignity, human rights, और उसके आगे उसी के हिसाब से हम प्रोसीड कर रहे हैं, और इसी के हिसाब से हमको ये नतीजे मिले हैं। इट इज डिफिकल्ट टू, देखिए ऐसा ना, दिस एज आई टोल्ड यू, दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। तो जैसे जैसे आते जाएंगे हम करते रहेंगे, हम स्पेकुलेट नहीं करते। हमारा सारा इन्वेस्टिगेशन एविडेंस बेस्ड है। आप ये बोलोगे ये इन्वॉल्व, हम नहीं कह सकते। जहाँ जहाँ एविडेंस आता जाएगा, उसको हम साक्ष्य आता जाएगा, उसको हम कलेक्ट करते जाएंगे। तो ये जो प्रिजम्पशंस स्पेकुलेशन, वो हमने कभी इन्वेस्टिगेशन में नहीं किया। हमने बिल्कुल एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन की, जो इन्वेस्टिगेशन आता रहा उसको कलेक्ट करते रहे। हमने ऐसे कोई ओमनीबस काइंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं दिया कि इतने इतने सर्टिफिकेट उसने भेजे हैं, डिग्री बेची है, इतना पैसा कमाया। हमने आपको जो बताया बिल्कुल सारा एविडेंस बेस्ड है। देखिए मैंने आपको बताया कि हम इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल टॉप क्वालिटी की कर रहे हैं। हम इस पर स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम इस पर बेसिकली ये होगा वो हो सकता है वो नहीं है, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ अंडर डीप जुडिशियल स्क्रूटनी, एंड इट ऑल्सो स्क्रूटनी बाई ईडी एंड इनकम टैक्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस।
आपको जान के खुशी होगी कि इसमें हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो टॉप यूनिट है, उसके साथ भी काम कर रहे हैं, ईडी के साथ भी काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स के साथ भी काम कर रहे हैं। ये सारा फैक्ट बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है, जो जो आता जाता है वो हम फाइल में लगाते जाते हैं। सर, कितने राज्यों में ये जो डिग्रियां बेची है अभी तक जो एविडेंस में सामने आया? वीरेंद्र बताओ। सर, हमारे पास 17 स्टेट्स में आई। 17 स्टेट्स में, इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, केरला। इसमें अभी ये नहीं, इतना ही स्टेट है, अभी हम लोग तफ्तीश जारी है जी। जैसे डीजी साहब ने बताया था, पिक्चर अभी बाकी है, ट्रेलर है अभी, जितना तक सफलता हासिल हुई इतने है, और इसमें आगे आगे जैसे हम तफ्तीश करेंगे जो भी फैक्ट्स है उसको कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपने भी कहा कि इसमें जो बिना सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम नहीं दिया जा सकता था, क्या अभी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, यू आर ट्विस्टिंग माई वर्ड्स। हमने कहा हम एग्जामिन कर रहे हैं क्या सरकारी और दूसरे की इसमें संलिप्तता है, इन्वॉल्वमेंट है। मैंने ये नहीं कहा कि इन्वॉल्वमेंट है इसको, नहीं। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये बिल्कुल एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस आएगा तो हम प्रोसीड करेंगे, अगर मेरे खिलाफ एविडेंस आएगा तो हम प्रोसीड करेंगे, नहीं आएगा तो हम आगे चलेंगे। तो हम, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, ये स्पेकुलेटिव इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है। जहाँ जहाँ इन्वेस्टिगेशन हमको, जहाँ जहाँ एविडेंस मिलता, उसी लिए हमने स्पेकुलेशन नहीं किया। हमने जो जिसको प्रेजुडिस बोलते हैं ना, प्री जज और प्रेजुडिस जिसको अंग्रेज में बोलते हैं, नहीं किया। उसी वजह से हमको इतनी कामयाबी मिली। वी वेंट विद अ ओपन माइंड, ओपन स्लेट। जो जो एविडेंस आता रहा हम कलेक्ट करते रहे, फाइलों में लगाते रहे, तभी इतनी बड़ी पिक्चर बनी है। अगर हम प्री जज करते भाई ये इन्वॉल्व है ये नहीं है, तो हम शायद इतना कामयाब नहीं हो पाते। आपकी बात है कि कौन इन्वॉल्व है, ये हमारी तफ्तीशी आगे बताएगी। सर, हाउ कम जैसे इतने बड़े पैमाने पे पूरी एजेंसीज है, पूरे संस्थान है, सरकार है, सब कुछ है, उसके बावजूद इतना बड़े पैमाने पे डिग्रियां 36,000 जिस तरह से आंकड़ा ज़्यादा है, कैसे संभव हो पाया? देखिए, ऐसा है कि आप मेरे से स्पेकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं तो अपना इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट बता सकता हूँ। हमने ये पाया, ये यू हैव टू पुट दिस क्वेश्चन टू सम अदर पीपल, लेकिन हमने जो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि इतना है, 5,000 के करीब बोनाफाइड स्टूडेंट्स थे, 36,000 के करीब मेलोफाइड स्टूडेंट्स थे, कुल 41,000 का हमको रिकॉर्ड मिला है, और मिलेगा तो हम ऐड करेंगे। अब जैसे जो एक केस था 100 फर्जी डिग्रियां, उसका विस्तार से वीरेंद्र बताएंगे, बताओ उसमें क्या किया आपने? एक केस था पर्टिकुलर, हाँ, खड़े होकर बताओ। हमारे पास जो 100 डिग्रीज का जो रेगुलेटरी कमीशन से एक कंप्लेंट आई थी, सर मास्क साउंड नहीं आ रही, 100 डिग्री के रिगार्डिंग, जो उसके वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग हमने 17 स्टेट्स में जो है अभी तक जो है 47 डिग्रीज फेक जो डिग्रीज थी वो रिकवर की है। तो उसमें हमने 75 के आसपास जो है उनके एड्रेसेस भी वेरीफाई किए, बहुत सारे तो एड्रेसेस, कुछ जो फेक डिग्री होल्डर है अभी वो फॉरेन में है, बाहर है, तो उनसे भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं तो उनसे भी हम डिग्री रिकवर करेंगे। नहीं नहीं यार, देखिए ऐसे आप ही मिक्स कर रहे हैं ना। अब तो ये है कि पहले हमने 3 केस किए थे ना, 22, 26, 27, ठीक है, उसको अंजाम पे लाना था, ठीक है, डीपर कॉन्स्पिरेसी को पकड़ना था, डीपर कॉन्स्पिरेसी की तरफ हम जा रहे हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पकड़ना था। अब ये एक एक करके है, मतलब वी हैव प्रायोरिटाइज ना। प्रायोरिटी में अब हमारा क्या है कि जो बाकी बचे हुए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको अटैच करवाएं, जो मेन एक्यूज्ड है राजकुमार राणा उसकी फैमिली है बाहर उसको लाएं, ठीक है, एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन जो कॉन्स्पिरेसी में उसको करें, और एंड में है ये कि जो डिग्री होल्डर्स है उसमें हम नहीं कर सकते, हम तो ये HP रेगुलेटरी जो कमीशन है उसको देंगे, उसकी कार्रवाई है बेसिकली। तो इस, मैं बता रहा हूँ दोबारा, हमको इतनी सफलता इसीलिए लिए क्योंकि हमने प्रायोरिटाइज सारे अपने टास्क किए, अदरवाइज ये रिकॉर्ड 4 महीने में इतनी सफलता कहीं किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कहीं इंडिया में मिली ही नहीं है, विदेश में नहीं मिली। अगर हम जैसे आप बोल रहे हो उसके इन्वेस्टिगेशन में लग जाए तब तो मतलब कई साल लग जाएंगे, बट वी डोंट वॉन्ट टू लूज आर फोकस। आपको मैंने बेसिक कहानी बता दी क्या है इसमें,
तो आप भी मेरी कहानी समझ गए होंगे और इसमें क्या करने की जरूरत है ये भी आप समझ गए होंगे। दूसरा, मैंने बताया हम ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई प्रिजम्पशन अजम्पशन नहीं है, ये होगा वो होगा, अटकले नहीं है कुछ, एविडेंस बेस्ड। और मैं दोबारा बताता हूँ कि हमारे जो केस हैं हाई कोर्ट में कम से कम 20-25 बार लगे हैं, हाई कोर्ट ने हमारी फाइल्स कम से कम 20-25 बार प्रयूज की है और हर बार हमारी इन्वेस्टिगेशन पे मोहर लगी है। तो इसका मतलब है वी आर प्रोसीडिंग इन द राइट डायरेक्शन। ईडी ने भी कल हमारी मोहर लगाई है, इनकम टैक्स ने भी हमारी मोहर लगाई है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने मोहर लगाई है और बड़े गर्व की बात है वी आर कीपिंग द फोकस एंड वी आर ट्राइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ द स्टोरी। जो क्राइम का सेकंड पार्ट है, मतलब किसी ने डिग्री बेची हमने उस पर तो एक्शन ले लिया, बहुत अच्छा कर रहे हैं पूरा उस पर, जिन्होंने खरीदी जो उसके पार्ट थे खरीदने वाले, हम उन पर मतलब अभी फोकस नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको इन्होंने 100 का पूरा डिटेल्स दे दिया ना, यू आर मिक्सिंग अप द क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, मतलब आई हैव माय प्रायोरिटीज, आई नो व्हाट आई हैव टू डू, द टीम नोज व्हाट टू डू एंड वी आर डूइंग। और हमने आपको प्रायोरिटीज बता दिया, ये हमने कब बोला कि उस पर एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं बोला ना, ऐसा तो नहीं बोला ना, हमने बोला कि व्हाट इज आवर फोकस, ठीक है, व्हाट इज आवर फोकस, दिस इज आवर फोकस, ठीक है, एंड वी डोंट वांट टू लूज आवर फोकस बिकॉज वी हैव नॉट लॉस्ट आवर फोकस, दैट इज व्हाई, सी देयर इज वन इंडिविजुअल जिसने एक डिग्री खरीदी है, बट देयर इज अ इंडिविजुअल हु हैज सोल्ड 36,000 डिग्रीज, तो आप पहले उसको इन्वेस्टिगेट करोगे या इसको इन्वेस्टिगेट करोगे, कॉमन सेंस क्या बोलती है, कॉमन सेंस क्या बोलती है, आप किसको इन्वेस्टिगेट करोगे, हाँ वन मैन ना, तो वही हमने किया, व्हाट वी आर इन्वेस्टिगेशन इज ड्रिवन बाय कॉमन सेंस रैशनैलिटी एंड लॉजिक। तो हमारे इसीलिए हमको इतनी सफलता मिली और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि 194 करोड़ कोई मखोल नहीं है, 194 करोड़ इज नॉट अ जोक, लॉर्ड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट 6-7 जनरेशन में इतना पैसा नहीं कमा सकते। देखो ऐसा देर आर, आई कैन गिव यू द लार्जर पिक्चर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बट मैटर ऑफ डिटेल्स आर नॉट टू बी शेयर्ड विद मीडिया फॉर द सिंपल रीजन द केस इज सब ज्यूडिस, अब तो कोर्ट में चल रहा है, बट आई हैव गिवन यू द लार्जर पिक्चर, ऑल दैट डिटेल्स वी हैव इन आवर इन्वेस्टिगेशन। 194 करोड़ हम वैल्यू निकला कैसे है, हवा में तो निकला नहीं ना, वो कोई मैथमेटिक्स से मिला है, कोई गणित करके मिला है, कोई कुछ हमने गणित किया है और जमीन पे वो पाया गया है, तो कुछ गणित करके मिला है, बट आई कैन नॉट शेयर दोज डिटेल्स विद यू, बट दैट हैज बीन डन। उसी वजह से तो हमको 194 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम 387 करोड़ से बाकी भी अभी लगी हुई है, लेकिन 194 करोड़ फर्स्ट ट्रांच में पहली मुश्त में अटैच हो गया है और ये देयर इज अ कैलकुलेशन थ्रू विच वी हैव कम दिस। किस ईयर इस यूनिवर्सिटी का रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुआ, किस ईयर इसको एलओआई दिया गया? इनिशियली इट वाज रिजेक्टेड इन द ईयर 2008 एंड 2009 में इसको मिला है LOI. 2008 अगस्त में रिजेक्ट हो गया था, 2009 फरवरी में इसको LOI मिल गया था, ठीक है। तो वी कम इनटू द पिक्चर और मैं दोबारा ये कहता हूँ कि हिमाचल पुलिस को लार्जली इतनी बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करने का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि होता भी नहीं था और एक्सपीरियंस्ड भी नहीं था, लेकिन वी कुड गाइड द टीम और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमने तो खैर ये ईडी को पहले भेज दिया था, ऑर्डर कल आया, पाँच महीने में इतनी हमने प्रोग्रेस की है और ये केस जैसे पिक्चर अभी बाकी है चलता रहेगा और आगे भी हम इसको प्रोग्रेस करते रहेंगे। बहुत बड़ा स्कैंडल है उस हिसाब से भी, फाइनेंशियल भी और इस मामले में भी, क्या दूसरे इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट किसने लगा है कि किसने मदद की है उसे किस तरह से? नहीं, इसका जो सिस्टर था ना, जो माधव यूनिवर्सिटी था उदयपुर, वो था, मतलब देवर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ना, बेसिकली क्या था इसका मॉडस ऑपरेंडी था, इसने जो पैसा बनाया इससे उसने एक और यूनिवर्सिटी बनाई, फिर आगे आगे कर रहा था, तो मतलब इसके जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से उसने माधव यूनिवर्सिटी बनाई थी, तो हम मतलब माधव यूनिवर्सिटी की भी काफ़ी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, तो 194 करोड़, तो मतलब इट इज़, देर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन्वॉल्व इन दिस, देर आर फाइनेंशियल एनालिस्ट इन्वॉल्व इन दिस, देर इज ईडी, मतलब दिस इज आफ्टर लॉट ऑफ कैलकुलेशन, लॉट ऑफ वैल्यूएशन, लॉट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स इन्वॉल्व है यहाँ भी वहाँ भी, तो
कुल मिला के हमने क्वाइटली काम किया विदाउट एनी मेकिंग एनी नॉइज मेकिंग एनी फस। बाकी हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया था कि सरकार इसका फॉरेंसिक ऑडिट करे, तो फॉरेंसिक ऑडिटर हमने बिठाया, वो फॉरेंसिक ऑडिट भी करेगा और वो भी हम रिपोर्ट कोर्ट को देंगे। लेकिन जो बिग न्यूज़ है कि 194 करोड़ तो कल ईडी ने अटैच कर लिया है और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और इसकी हम रिव्यू भी करते रहेंगे और हम आशा करते हैं कि इसके तहत तक हम पहुंच जाएंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, सेम जो फेक डिग्री स्कैम और स्टाइपेंड स्कैम सर, इनका कोई बीच में रेलेवेंस? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कोई रहा। सर, सेम जो मामला है वो एपीजी यूनिवर्सिटी का है सर, उसमें क्या कुछ निकला सर अभी तक? देखिए ऐसा, अभी हम मानव भारती की बात करते हैं, लेट अस नॉट मिक्स थिंग्स। सो एवरी केस हैज टू बी एग्जामिन्ड ऑन इट्स ओन मेरिट। अभी आज के दिन में हम मानव भारती की बात कर रहे हैं, उसकी एसआईटी अलग है, वो किसी और दिन करेंगे, ठीक है? इसकी बेटा बेटी किस कंट्री में है? वहाँ एक्सपीडिशन है, ऑस्ट्रेलिया में। और दूसरा ये बोला कि 275 टोटल क्वेश्चनिंग की है, टोटल एक्यूज कितने हैं? 8 अरेस्ट हुए ना, देखिए ऐसा है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होती रहेगी एक्यूज्ड और बनते रहेंगे। नहीं देखिए ऐसा है कि जो बहुत सारे अक्यूज जो हैं, जो जिनसे हमने इंटरोगेशन की है, उनके बारे में अभी हमने एक फाइनल डिसीजन नहीं लिया है कि कितनों को अक्यूज बनाना है, कितनों को गवाह बनाना है। आफ्टरऑल केस में कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको हमें प्रूफ भी करना है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें गवाहों के थ्रू ही प्रूफ करनी है। तो उसमें देखिए, यू आर अगेन आस्किंग अ क्वेश्चन ऑफ स्पेकुलेशन, ठीक है? यू आर आस्किंग स्पेकुलेटिव क्वेश्चन, सो ही इज गिवन यू टोटल 275 witnesses have been examined, 8 accused have been arrested. So the number of witnesses examined will increase, the number of accused will increase because the investigation is going on. How it will unfold, it is very difficult for him to tell, for me to tell also. How the investigation takes, which way it takes, वो जैसे जैसे होता रहेगा, we'll be sharing it with you. Okay. Thank you, sir. So, big case, sir. Congratulations. थैंक यू। आपका हमें हमेशा सपोर्ट रहा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दोबारा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस किया।